नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स पर। यह है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, जो बिहार के गया जिले में बनाई गई है, जो फल्गु नदी के ऊपर बनाई गई है। यह रबर डैम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और ये 8 सितंबर को इसका लोकार्पण भी हो चुका है, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। मोक्ष और तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध बिहार के गया जिले में बनी है यह डैम। सीताकुंड और विष्णुपद मंदिर को जोड़ने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। इस ब्रिज के नीचे एक गोलाकार रबर की मोटी सी पाइप लगाई गई है, जिससे अपनी सुविधा अनुसार ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाई घटाई जा सकती है। इस डैम की जो लंबाई है 411 मीटर है और इसकी चौड़ाई 95 मीटर और इसकी ऊंचाई 3 मीटर कही जा रही है। 3 मीटर इसकी ऊंचाई ब्रिज के नीचे बने डैम की है, न कि पूरे ब्रिज की। अब यहाँ पर्यटकों का आना जाना बढ़ जाएगा। इस डैम से पहले इस फल्गु नदी में सिर्फ बारिश में ही पानी दिखता था, लेकिन अब इस फल्गु नदी में सालों भर पानी मिलेगा। बहुत खुश हैं गया के निवासी और काफ़ी उत्सुक भी हैं इसे देखने के लिए, इस पर घूमने के लिए। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ टूट पड़ी है इसको घूमने के लिए। इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यहाँ 24 सितंबर तक मेला लगा रहेगा, जो बहुत ही विशाल मेला लगेगा, जहाँ भीड़ लगना लाजमी होगा। ये काफ़ी बड़ा डैम है जो रबर से बनाई गई है और बिहार में ये पहला रबर डैम है जिसके ऊपर ब्रिज भी बनाई गई है, ताकि लोग इस पार से उस पार तक का आवागमन कर सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ डैम को घूमने के लिए आ रही है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर अब पर्यटक भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी भी है। मीन्स अब तक यहाँ पर बरसात के पानी को ही देखा जा सकता था इस फल्गु नदी में, लेकिन अब यहाँ पर गंगा नदी के पानी को अब बांध से बांध कर रखा जाएगा, जहाँ पर श्रद्धालु भी आएंगे। यहाँ पर एक तीर्थ स्थान की तरह बन जाएगा, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु का भी आना जाना होगा और भीड़ लगी रहेगी, और उनके लिए गंगा नदी का यहाँ पर होना काफ़ी खुशी की बात होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से रबड़ के पानी से पानी गिर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प ब्रिज बनाई गई है, डैम बनाई गई है। आप डैम के ऊपर भी देख सकते हैं लोग काफ़ी भीड़ लगी है घूमने के लिए। ये काफ़ी बड़ा डैम है, काफ़ी लंबाई इसकी ज़्यादा है और चौड़ा भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डैम के ऊपर ब्रिज बनाई गई है, ताकि लोग इस पार से उस पार आ जा सके। पहले ये ब्रिज बनने से पहले लोगों को दूसरे तरफ से घूमकर दूसरी ब्रिज से, इससे थोड़ी दूरी पर ब्रिज है, वहाँ से होकर जाना पड़ता था उस पार, जिसमें टाइम काफ़ी लगता था, ज़्यादा लगता था। अब उनके लिए समय भी कम लगेगा और अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मेले की तैयारी भी अभी चल रही है। ये मैंने वीडियो मेले से पहले का लिया हुआ है, तो अभी 8 या 9 तारीख से यहाँ पर मेला लगने वाला है और काफ़ी विशाल मेला लगेगा। देख सकते हैं आप पब्लिक किस तरह से शोर मचाती हुई ऊपर चढ़ रही है डैम के ऊपर घूमने के लिए। काफ़ी आनंददायक होगा यहाँ पर घूमना, और सबको पता है कि मतलब पहली बार कोई भी चीज़, नई नई चीज़ बनती है, तो उसको देखना और उस पर घूमना काफ़ी दिलचस्प होता है। तो इसी तरह से वहाँ के आसपास के निवासी, वहाँ के मूल निवासी काफ़ी उत्सुक हैं इसको घूमने के लिए, इस डैम को लेकर, और घूम भी रहे हैं आकर। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल दुनियादारी एक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। Thanks for watching.